हरे कृष्णा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे रामा जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय राधा माधव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। नमोयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे, वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस प्रसंग को कर सकूं, क्योंकि आप लोगों के कृपा से ही मैं कर पाऊंगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी के कृपा से हम लोगों को कथा कहने को सुनने को मिल रहा है, और वास्तव में वही व्यक्ति भाग्यशाली होता है जो भगवान के विषय में सुनता है बोलता है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति ही वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रीं तत्पाद सलिलम यथा। भगवान के विषय में जो पूछता है, जो सुनता है और जो बोलता है, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं तीनों। तो हम सभी लोग भाग्यशाली हैं, कहने वाले भी, जिज्ञासा करने वाले भी, पूछने वाले भी, और जो सुनते हैं वो भी। तो इस बार यहाँ पर अति संक्षेप में हम लोग गजेंद्र मोक्ष प्रसंग को सुनेंगे, किस प्रकार गजेंद्र का उद्धार भगवान किए हैं, इस प्रसंग को सुनेंगे। भागवत अपने आप में दिव्याति दिव्य ग्रंथ है, शास्त्र है, और प्रत्येक अध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण है। भागवत का कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसा अध्याय नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है। जिसको हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और इसी भागवत में एक से एक भक्त की कथा है जिसको सुनने से हम लोग भगवान के चरण को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक डॉक्टर हैं अमृतसर में, महाराज के ही शिष्य हैं अमृतसर में, तो परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज से उन्होंने प्रश्न किया, जिज्ञासा किया कि महाराज मैं चाहता हूँ कि इसी जीवन में, यह जो जीवन है, इसी जीवन में अब भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। तो आप भागवत से कोई ऐसा साधन बताइए, उपाय बताइए, जिसको करने से हम इस जीवन में ही भगवान को प्राप्त कर ले। कोई है ऐसा उपाय? तो कहे कि हाँ है, गजेंद्र मोक्ष रोज पढ़ो प्रतिदिन। क्या पढ़ो? गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष जो है, अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है, पाठ करता है प्रतिदिन, इसमें 33 श्लोक है,
शुरू से अंत तक लेंगे तो, जिसमें से अगर हटा दिया जाए पांच श्लोक हटा ही सकते हैं, अंत वाला और शुरू वाला एक। इसको अगर रोज पढ़ेंगे प्रतिदिन तो भगवान का धाम निश्चित है। ऐसे तो भक्तों को भगवान का धाम मिलेगा ही, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि हमको कोई ऐसा चीज़ बताइए केवल थोड़ा सा करें और जल्दी हमको मिल जाए। ऐसे तो भक्त लोग एक सब चाहते ही नहीं है। भक्तों की तो कामना यही होती है कि हम कहीं भी रहें आपका नाम जपते रहें और भक्तों का संग मिलता रहे। जैसे वृत्रासुर जी, अहम हरे तौ उपादई का मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मन स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तो काय। यहाँ तक कहते कि न नाक पृष्ठम न च पाद मिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसम त्वं विरहय्य कांक्षे। अजात पक्षा यमातरह खगा स्तन्यम यथावत सतराचरार्था प्रियम प्रियव विशुताम विषाणा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वं। और अंत में क्या कहते हैं कि ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मायात्मादमजदारगेः स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। कहते हैं कि हे उत्तम श्लोक प्रभो, मैं अपने कर्म के अनुसार किसी भी जोनी में जाऊं इसकी परवाह नहीं है, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन जहां भी जाऊं आपके भक्तों का संग मिलता रहे। भक्त संग, साधु संग जरूर चाहिए, बार बार करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। आप लोगों को लगता होगा कि अभी 7 दिन कथा सुने फिर कथा चालू हो गई लेकिन अगर इस तरह का अवसर मिल रहा है तो आप लोगों को और खुश होना चाहिए। क्यों? कि यही भक्ति को बचा कर रखने वाला है भागवत कथा। अगर कोई बार बार अभी सुनेंगे इस प्रसंग में, महाराज परीक्षित कितना सुंदर जिज्ञासा कर रहे हैं अपने गुरु महाराज से, सुखदेव गोस्वामी से, तो हम लोग वास्तव में भाग्यशाली हैं जो कि बार बार सुनने को मिलता है, बार बार कहने को मिलता है। अगर यह अवसर मिल रहा है तो जीवन सार्थक है, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो इस कार्य को कर रहा है। तो हम लोग इस बार इस प्रसंग को सुनेंगे। भागवत में 12 स्कंध है, सबको पता ही है, और 10 लक्षण का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद में मनवंतर का वर्णन किया गया है, मनवंतर। तो मनवंतर का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने बताया है 14 मनु हुए हैं, 14 मनवंतर, और 14 मनवंतर में 14 मनु हुए हैं। तो सबसे पहला मनु जो है उनका नाम है स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु किसके लड़के हैं? ब्रह्मा जी के। और वो तपस्या कर रहे थे उस समय, रुचि प्रजापति और आकुति स्वयंभुव मनु के 5 संतान हुए थे, जिसमें 3 कन्याएं थी और 2 लड़के थे। लड़कियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति, और जो लड़के थे मनु महाराज के उनका नाम है उतानपाद और प्रियव्रत, और महाराज मनु की पत्नी का नाम है शत्रुपा। तो जो बड़ी लड़की है जिसका नाम है आकुति, आकुति का विवाह हुआ था रुचि प्रजापति के साथ में। ये सब डिटेल कथा है। तो रुचि प्रजापति के साथ में जब विवाह कर रहे थे तो उसी समय मनु महाराज कहे कि अगर आपका जो संतान जन्म लेगा, पुत्र जन्म लेगा, तो उसको मैं ले लूँगा।
उसको पुत्रिका धर्म कहते हैं, पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह करना। कि जब पिता विवाह करते हैं बेटी का और यह कह करके करते हैं कि अगर इसका जो संतान लड़का होगा वो मेरा लड़का होगा, मैं ले लूँगा, तो उसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। तब विवाह किए तो रुचि प्रजापति और माता आकुति के गर्भ से दो संतान जन्म लिए पहले, एक भगवान यज्ञ पुरुष और लड़की जन्म ली थी, उसका नाम था दक्षिणा। तो यज्ञ पुरुष को ले लिए कौन? मनु महाराज। और मनु महाराज जब यज्ञ पुरुष को लिए तो यज्ञ पुरुष स्वयं भगवान हैं और दक्षिणा जो है लक्ष्मी स्वरूपा हैं, तो दोनों का संबंध हुआ, विवाह हुआ। तो वही यज्ञ पुरुष जो भगवान थे उस समय स्वयंभू मनवंतर में जन्म लिए, वह भगवान यज्ञ पुरुष रक्षा किए थे उस समय। इसके बाद दूसरा मनु हुए जिसका नाम हुआ स्वरोचिस मनु, ये अग्नि के पुत्र हैं और उनका उस समय उस मनवंतर में जो भगवान आए उनका नाम हुआ विभु। विभु का जन्म किससे हुआ? तो वेद सीरा ऋषि के पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान विभु का जन्म हुआ। और तीसरे मनु हुए जिनका नाम हुआ उत्तम, ये प्रियव्रत के पुत्र थे उत्तम, प्रियव्रत और उतानपाद, तो उनके लड़के हैं। और उस समय धर्म की पत्नी सुंदरता से जन्म लिए भगवान जिनका नाम हुआ सत्यसेन, तो यह भगवान उस समय रक्षा किए थे तीसरा मनवंतर में। और चौथा मनवंतर हुआ उस समय मनु का नाम हुआ तामस मनु, उस समय के मनु कौन हुए? तामस। और उस समय हरिमेधा एक ऋषि थे और उनकी पत्नी थी हरिणी, तो हरिणी से जन्म हुआ भगवान का जिसका नाम हुआ हरि, हरि भगवान। और यही हरि भगवान जो हरिमेधा ऋषि की पत्नी के द्वारा जिसका जन्म हुआ था, हरिणी से जन्म हुआ था भगवान हरि का, और वही हरि भगवान गजेंद्र की रक्षा किए थे। भगवान हरि ही जब ग्राह गजेंद्र को पकड़ लिया था तो उस समय भगवान हरि आकर के रक्षा किए। सुखदेव गोस्वामी कथा बड़े आनंद के साथ सुना रहे हैं, लेकिन महाराज परीक्षित जो सुनने वाले कथा हैं वो भी आनंद में सुन रहे हैं, एक एक शब्द को ध्यान दे रहे हैं। सुनने वाले को ध्यान देना चाहिए, जितना प्रेम से सुनते हैं तो वक्ता लोग सुनाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कथा मनवंतर का वर्णन करते हुए जब चौथा मनवंतर का वर्णन करने लगे और बोले कि चौथा मनवंतर में भगवान हरि आए, राजन हे महाराज हे परीक्षित, वही हरि भगवान ने ग्राह के फंदे से गजेंद्र को छुड़ाया था, मुक्त किया था। और इतना कहकर के सुखदेव जी अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कथा को करना है क्योंकि समय बहुत कम है, महाराज परीक्षित के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। चौथा दिन की कथा कर रहे थे, तीन दिन कथा हो चुकी है, चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर चुके हैं और सात दिन में ही संपूर्ण भागवत की कथा सुनानी है महाराज परीक्षित को। तो सुखदेव गोस्वामी सोचे कि अब आगे चलूं, लेकिन महाराज परीक्षित अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भगवान इस कथा को थोड़ा विस्तार से सुनाइए, कैसे गजेंद्र फंसा और भगवान किस प्रकार आकर के रक्षा किए, इसको मैं सुनना चाहता हूं। कथा प्रियर में अगर कोई वक्ता को रोक दे तो वक्ता को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, कहे कि आप हमको सुनाइए। तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्या हरिमेधसः हरिरित्या हितो जेन गजेंद्रो मोचितो ग्राहत्। आप जो बता रहे हैं कि इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान
हरि जन्म लिए और उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की, तो इसको आप कृपा करके हमको सुनाइए। मैं सुनना चाहता हूं और विस्तार से सुनना चाहता हूं, हमको कोई जल्दी नहीं है। महाराज परीक्षित को जल्दी है, 3 दिन ही समय बचा हुआ है, फिर भी कह रहे हैं कि आप सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हुए क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं कि बादरायण तत् श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरि यथा गजपति ग्राहगस्त ममोचत। हे मुनिवर, हे ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ, हे भगवान, हे गुरुदेव, हम आपसे सुनना चाहते हैं। वयम् केवल अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के सामने महाराज परीक्षित, अगर अपने लिए पूछते तो अहम का प्रयोग करते, लेकिन वयम्, वयम माने जितने ऋषि लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग इसको सुनना चाहते हैं। और यहाँ ते शब्द आया है, ते माने महाराज परीक्षित इस कथा को पहले भी सुन चुके थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुने हैं, लेकिन कहते हैं कि ते माने आपके मुखारविंद से मैं सुनना चाहता हूँ इस कथा को, तो आप कृपा करके सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी के मुख से महाराज परीक्षित सुनने के इच्छुक हैं। तेज शब्द यह अर्थ ज्ञापित कर रहा है कि इससे पहले भी वे सुन चुके थे, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपसे, आपसे कहते ही यह सिद्ध हो रहा है कि इससे पहले भी महाराज परीक्षित ने इस कथा को सुन चुका था, लेकिन कहते हैं कि आप मुझको बताइए, हम सुनना चाहते हैं। और मैं ही नहीं, अहम, अहम एवं न वयम, जितने ऋषि महर्षि हैं, उस सभा में व्यास जी बैठे हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी के पिताजी, नारद जी बैठे हुए हैं, भृगु, अंगिरा, देवल, पराशर, असित, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, सभी लोग बैठे हुए हैं। और जब महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि आप सुनाइए, तो सभी ऋषि लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि चलिए सुखदेव के मुख से हम लोगों को भी सुनने को मिलेगा। यहाँ पर एक शिक्षा है, कभी कभी हम लोग किसी कथा को जानते हैं, अगर कोई सुनाता है तो लगता है कि मैं ही बोल दूँ, मुझे तो मालूम है, लेकिन धैर्य धारण करके सुनना चाहिए। और जितना सुनेंगे, क्या पता आप जो सुने उसे और कुछ विशेष चीज सुनने को मिल जाए, तो इसलिए सुनना चाहिए। और जितने बार सुनेंगे उतने बार उसका अर्थ अलग अलग सुनाई देगा, दिखाई देगा। इस कथा को मैं कितने बार कर चुका हूँ, लेकिन जब करता हूँ मुझे लगता है कि अभी मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, और इसमें कुछ सुनना चाहिए, और कुछ सीखना चाहिए। मैं बहुत बार इस प्रसंग को किया हूँ अलग अलग जगहों पर, सूरत में किया हूँ, वापी में किया हूँ, अलग अलग जगह में, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ, अभी मैं सुन रहा था इसी कथा को गुरु महाराज के मुख से, तो लग रहा था अरे कितना अच्छा कर रहे हैं, ऐसा तो हमको नहीं आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको बार बार सुनना चाहिए, बार बार इस पर विचार करना चाहिए। और जब बार बार सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ये भागवत स्वयं भगवान है, कभी कभी विशेष अर्थ खोलने लगते हैं, स्पेशल अर्थ निकलने लगता है अपने आप। तो कहते हैं कि मैं ही नहीं, वयम, जितने लोग हैं यहां पर, जितने उपस्थित लोग हैं, सभी लोग कह रहे हैं, आप देखिए ना, सबसे पूछिए, सब सुनना चाहते हैं, सब बोल रहे हैं, हम लोग भी सुनना चाहते हैं, अथवा सभी लोग अनुमोदन किया। जितने ऋषि महर्षि बैठे हैं उसमें से कोई ऐसा नहीं था कि यह कहे कि अरे आगे कथा सुनाइए महाराज, समय बहुत कम है, इस कथा को तो हम लोग सुने हैं, इसको भी मालूम है। व्यास जी कह सकते थे, और भी ऋषि लोग बोल सकते थे कि इसको मालूम है, आप आगे सुनाइए, लेकिन सब लोग कहे कि नहीं नहीं, परीक्षित बिल्कुल सही कह रहा है, आप इस कथा को सुनाइए, बताइए, अब सुनाइए। हरिर यथा गजपति ग्राहग्रस्तम मुचत, किस प्रकार भगवान हरि ने ग्राह के मुख से
गजेंद्र को ग्राह पकड़ा था तो उसके मुख से कैसे मुक्त किए, इसको आप सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी को बहुत अच्छा लग रहा है, फिर क्या कहते हैं कि तत्कथा सुमहत पुण्यम धन्यम स्वस्तयनम शुभम यत्र यत्रोत्तम श्लोक भगवान गियते हरि। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय प्रशंसनीय मंगलकारी और शुभ है जिससे महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान हरि के पवित्र यश का वर्णन किया गया हो। जितनी कथाएं हैं उन सभी कथाओं में कौन कथा महत्वपूर्ण है, कौन फल देने वाला है, कौन पुण्य प्रदान करने वाला है, जिसमें भगवान के यश का वर्णन किया गया हो, भगवान की महिमा गाई गई हो, वही वास्तविक कथा है, नहीं तो सारा व्यथा है। बहुत लोग जाते हैं सत्संग में और जाकर के कहते कि मैं सत्संग करके आ रहा हूँ, लेकिन सत्संग का अर्थ ही नहीं समझते हैं कि सत्संग है क्या। सत्य कहते हैं भगवान को, सत्य अस्थि शब्द से सत्य बना है, अस्थि माने है, प्रभु भी यहां बैठे हुए हैं संस्कृत के आचार्य, तो सत्य सत्य माने अस्थि, अस्थि माने है, जो पहले भी था आज भी है और बाद में भी रहेगा, उसी को सत्य कहते हैं। और उस सत्य के आश्रय में जो रहता है, सत्य को जो मानता है, सत्य का जो फॉलो करता है, वह होता है संत। सत्य के अपत्य होने से संत होते हैं संत। तो सत्य संग, जो सत्य का संग करता है वो हुआ संत, और ऐसे संतों का जो संग करता है अथवा ऐसे भगवान की कथा को सुनता है उसको सत्संग कहा जाता है। जो भगवान के विषय में बोलता हो, भगवान के ही विषय में सुनता, उसी को सत्संग कहते हैं। और ऐसे सत्संग जो करेगा उसको पुण्य और फल मिलने वाला है, नहीं तो पुण्य और फल मिलने वाला नहीं है, और कुछ गड़बड़ ही हो सकता है। तो भगवान की जो कथा है तत्कथा, भगवान की जो कथा है सुमहत पुण्यम, पुण्यम मतलब सुमहत पुण्यम, पवित्र करने वाले, भगवान की जो कथा है वह पवित्र करने वाली है, जीवों को पवित्र बना देती है। पवित्र का मतलब क्या हुआ, भगवान की कथा अगर कोई सुनता है तो पवित्र हो जाता है, तो इतना से क्लियर नहीं हुआ। पवित्र का मतलब हुआ कि जो मन में अनेक प्रकार की जो वासना है, जो कामना है, जो चाह है कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो भगवान के कथा सुनने से समस्त प्रकार के जो जीव के भीतर वासना भरी हुई है, कामनाएं भरी हुई है, उसको वह कथा धो डालती है, साफ कर देती है, समाप्त कर देती है। भगवान के कथा सुनने से मन में अनेक प्रकार के जो उद्वेग विकार चाह होता है वो सब समाप्त हो जाता है, और वह जीव, वह व्यक्ति सांसारिक वासनाओं से मुक्त होकर के केवल कृष्ण में मन लगाने लगता है, भगवान की कथा में ही उसका मन लगने लगता है, भगवान की कथा सुनने का मन करने लगता है। कथा की यह विशेषता है, भगवान की कथा का तत्कथा। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, यह कोई साधारण कथा नहीं है, मैं उस कथा की बात कर रहा हूँ जिसको सुनने से, जिसको बोलने से व्यक्ति के भीतर की वासना समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। महत्वपूर्ण है ना, बताइए। लोग कहते हैं, पूछते हैं, हम लोग से प्रश्न करते हैं कि प्रभु बताइए, मेरा मन नहीं लगता है जप करने में, मेरा मन नहीं लगता है कथा सुनने में। वो यही अपेक्षा करते होंगे कि हम लोग कह देंगे कि मन नहीं लगता है तो मत सुनो, जप मत करो, लेकिन ये बात नहीं है। मन नहीं लगता है तो नहीं सुनने से मन लगेगा, बार बार सुनो, और जब सुनोगे तब मन लगेगा।
बार बार जपेंगे तब जपने का मन करेगा। यह कथा ही ऐसी है कि कथा को अगर कोई सुनेगा तो उसका सारा वासना कामना जब नष्ट होंगे तब केवल एक ही कामना रह जाएगी, वो है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भगवान का जो नाम है, भगवान का जो कीर्तन है, उसको करने से क्या होता है कि भगवान के नाम से जीव शुद्ध होते हैं। नाम जपने से नाम व्यक्ति को शुद्ध कर देता है। भगवान की कथा भी नाम ही है, अगर उस नाम को सुनता है, वह नाम उसके भीतर प्रवेश करता है तो उसके सारे गंदगियों को साफ कर देता है, बिल्कुल पवित्र बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और जिन कथाओं में यत्रोत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि, जिसमें उत्तम श्लोक भगवान की गुणगान की गई हो, सुंदर सुंदर श्लोकों से जिसका गायन किया गया हो, उत्तम श्लोक भगवान हरि के विषय में जिसमें गायन किया गया हो, गाया गया हो, उन कथाओं से क्या होता है कि महापुण्यम, महापुण्य की प्राप्ति होती है, महापुण्यम। और वह महापुण्य कैसा होता है, भगवान के विषय में गायन करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। और महापुण्य होता कैसा है, महापुण्य क्या है, कैसा होता है, तो कह रहे हैं कि स्वस्तयनम धन्यम स्वस्तयनम शुभम, उसको सुनने से वह महापुरुषों की विशेषता को प्राप्त करता है और इससे जीव की सारी वासनाएं समाप्त होती है। और जब वासनाएं समाप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना मृत, कृष्ण से प्रभावित हो जाता है, उसके चेतना में उसकी बुद्धि में केवल कृष्ण ही बसे रहते हैं। तो यह कितना बड़ा पुण्य करने वाली कथा है, बताइए, पुण्य प्रदान कराने वाली, तो इसको सुनना चाहिए। और इसको करने से क्या होता है कि वह व्यक्ति जैसे कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह कृष्ण के निकट पहुंचता है ब्रह्मचर्य के पालन करने से, या कोई दान देता है, किसी को दान करता है, बीच बीच में देता है, तो वह दान भी भगवान के निकट पहुंचाता है। ये सब भगवान के निकट पहुंचाने वाला है, दान देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान की भक्ति, ये सब भगवान के निकट ले जाने वाला है। लेकिन इन सब में उत्तम क्या है, ऐसे सब महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि वो सब कम है, महत्वपूर्ण है, लेकिन कहा जाए कि सब में उत्तम कौन है, द बेस्ट कौन है, तब कहते हैं कि इसमें भगवान का जो नाम है, हरे कृष्णा भगवान का नाम सबसे बढ़ करके है। तो सुनने से ही भगवान का नाम जपने का मन करेगा ना, जब तक हम भगवान के विषय में नहीं सुनेंगे, बार बार नहीं सुनेंगे, तो थोड़े जपने का मन करेगा नाम। इसीलिए इसको सुनाइए, तत्कथा। तत्कथा का मतलब है कि बहुत भारी भारी कार्यों, जितने बड़े बड़े कार्य है वो सब भगवान के कथा सुनने से सिद्ध हो जाता है। तत्कथा महाराज श्री बोल रहे थे, इस पर मैं सुन रहा था, कह रहे कि कथा सुनने से घाटा नहीं है, कथा सुनने से सुनने वाले को भी और कहने वाले को भी फायदा है। ऐसे भागवत का असली अर्थ असली फल यह नहीं है, लेकिन महाराज हंसा रहे थे, बोल रहे थे कथा में, कह रहे कि कथा से जिसका कोई काम नहीं होता है वो लोग कहते हैं कि भागवत करवा लो, और भागवत करवाते हैं तो उसका काम सफल हो जाता है। बड़े बड़े मालिक लोग, बड़े बड़े कंपनी के मालिक, बड़े बड़े बिजनेस वाले कहते हैं कि भागवत करा लो, जिसका विवाह नहीं होता चलो भागवत का पाठ करवा लो, विवाह हो गया, नौकरी नहीं, भागवत करवा लो, पंडित के पास जाइए ना, आप भागवत कराओ और उसका काम हो जाता है।
हो जाता है तो उसका भी काम हो गया, और जो कथा कर रहा है उसको भी दक्षिणा मिल गया तो उसका भी काम हो गया, है कि नहीं। तो तत्कथा, तत्कथा मतलब दोनों को ये धन भी देने वाला है, लेकिन वास्तविक इसका अर्थ यह नहीं है, भागवत केवल इसी के लिए नहीं है। भागवत करने से, सुनने से कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, सबसे बड़ा धन है। कृष्ण लोक फल प्रद, कृष्ण लोक को देने वाला अगर कोई है, कृष्ण चरण को देने वाला कोई है, तो वह है भगवान की कथा। और भगवान कौन? श्री कृष्ण। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण के विषय में कोई श्रवण करता है, कोई बोलता है, तो भगवान को निश्चित प्राप्त करता है, यह अर्थ यहां पर किया जा रहा है। तत्कथा बहुत बड़े बड़े कार्य को, बड़े बड़े समस्याओं को यह कथा समाधान कर देती है, इसका यह फल है। स्वस्तयनम, इसमें शब्द आया है स्वस्तयनम शुभम, स्वस्तयनम भगवान के कथा से स्वजन संबंधी सभी लोग ठीक हो जाते हैं। अगर कोई बीमार है, कोई रोगी है, वो भी कथा सुनता है तो वह ठीक हो जाता है, या परिवार में सुंदर वातावरण बन जाता है। कथा सुनने से मति शुद्ध हो जाती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जब कथा सुनेंगे तो आपकी मति सुंदर होगी, और मति सुंदर होगी तो संपत्ति अपने आप आने लगेगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपदि निधाना। जहाँ कुत्सित मति है वहाँ विपत्तियाँ, कष्ट, दुख आते रहते हैं, और सुंदर मति होते ही, सुंदर विचार होते ही क्या होता है कि संपत्ति अपने आप आने लगता है। अर्थात भगवान के कथा से स्वजन संबंधी सब ठीक रहते हैं, इस जीवन में तो आनंद रहता ही है, और बाद में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो दोनों हाथ में लड्डू है। इस जीवन में भी आनंद है, यह लोक सुखी पर लोक सुखी, इस लोक में भी सुखी हैं, और जब शरीर तो छोड़ना निश्चित है, तो शरीर छूटेगा तो परलोक भी सही बनेगा, तो फायदा है कि नहीं बताइए आप लोग, है ना। इसीलिए सुनना चाहिए, और बार बार सुनना चाहिए, प्रयास करके सुनना चाहिए। जहाँ भी रहिए भागवत को सुनिए, भगवान के नाम को जपिए। यही बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सन्यासी, गुरु, महात्मा, सभी लोग इसी बात को बताते हैं। और इतना ही नहीं, शुभम, शुभम का अर्थ है सुख प्रदान करने वाली कथा है। कथा कहने से और सुनने से सुख मिलता है, परम आनंद मिलता है, जीव की स्वरूप की प्राप्ति कराने वाली यह कथा है। जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कथा सुनने से हम अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे कि हमारा स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप है भगवान की दासता, भगवान की सेवा करना, यह हमारा स्वरूप है, तो इसको हम पहचान पाते हैं। और अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है, और इससे मंगल होगा, अपना कल्याण होगा, भगवान के कथा से आनंद मिलता है। इस श्लोक का अर्थ यही है, तत्कथा सुमहत् पुण्यम धन्यम स्वस्तयनम शुभम यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरिः। सब कथाओं में वही कथा पुण्यमय है, महाराज परीक्षित कह रहे हैं, प्रशंसनीय है, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किया गया है। क्या गान किया गया? भगवान के पवित्र नामों का, पवित्र जशों का, पवित्र कीर्ति का वर्णन किया गया है महात्माओं के द्वारा। वही सभी कथाओं में सर्वश्रेष्ठ कथा है। जब इस प्रकार महाराज परीक्षित बोले, तो अब वहां पर सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सुत गोस्वामी अगर जब बोलते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि यह कथा नैमिषारण्य में हो रही है, और जब सुखदेव जी कह रहे हैं तो सीधा अपने मन को कहाँ ले जाना है? सुखताल में।
और जब मैत्रेय जी कथा कहते हैं, मैत्रेय जी की बात आती है, तो अपने को कहाँ पहुंचा देना है? हरिद्वार में। और सुनने वाले श्रोता कौन है? विदुर जी। और जब उद्धव जी बोल रहे हैं, उद्धव जी अगर कुछ कह रहे हैं तो वृंदावन में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उद्धव और विदुर का संवाद वृंदावन में हुआ था। और भगवान बोल रहे हैं और उद्धव का संवाद, तो वह प्रभास क्षेत्र का है। तो इसमें बहुत सुंदर ढंग से कथा सुनाया जा रहा है। जब महाराज परीक्षित ने इस तरह की जिज्ञासा किया, तो सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि परीक्षित एवं सत्वाद रायण ही प्रायोपविष्टे न कथा सुचोदितः वाच विप्रह प्रतिनाद्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वतां मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वतां। कहते हैं हे शौनक आदि ऋषियों, हे ऋषिगण, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। आमरण, जब तक शरीर समाप्त नहीं होगा तब तक कोई जल कोई अन्न नहीं खाना है। मृत्यु पर्यंत जल और अन्न का त्याग, अन्न का तो बात ही छोड़ दिए, जल का भी त्याग कर दिए। महाराज परीक्षित को श्राप लग चुका था, ये कथा आप लोग जानते हैं। एक बार जंगल में गए हुए थे कि ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए थे पानी नहीं मिलने के कारण, तो उस ऋषि का बालक वहीं खेल रहे थे जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, और जो ऋषि तपस्या कर रहे थे उनका नाम है समेक ऋषि। ये मेरठ के पास में जगह है, वहां पर मैं 7 दिन कथा किया हूँ, जहाँ पर श्राप दिए हैं। जहाँ कथा सुनाए वहां तो किया ही हूँ 3 बार, लेकिन एक बार जहाँ श्राप मिला है वहां भी किए हैं। परीक्षित गढ़ के नाम से जाना जाता है, कभी समय मिले तो जाना चाहिए। ज्यादा दूर नहीं है, मेरठ मवाना के पास में है परीक्षित गढ़, तो वहीं पर श्राप मिला हुआ था। महाराज गए हुए थे और ऋषि को जब देखे, वो ध्यानावस्था में बैठे हुए थे, तो उनको प्यास लगी, पानी मांगे, जब पानी नहीं मिला तो क्रोध आ गया, थोड़ा गुस्सा आया, और सर्प मरा हुआ था उसको उठा करके उनके गले में डाल दिए और वे चले आए। लेकिन उनका पुत्र श्रृंगी को बड़ा गुस्सा आया, वो श्राप दे दिया कि आप मेरे पिता के गले में सांप डाले हो ना, आज के 7वें दिन सर्प के काटने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, जाओ मैं श्राप देता हूँ। और महाराज परीक्षित को जब पता चला, समीक ऋषि अपने शिष्यों के माध्यम से सूचना भिजवाए, तो महाराज परीक्षित पहले ही जब अपने नगर में प्रवेश किए, मुकुट आदि रखे, उसी समय उनको अफसोस हुआ कि मैंने क्या कर दिया, महात्मा के गले में सांप डाल दिया। उसी समय सूचना मिली कि आज के 7वें दिन आपको मरना है। इतना सुनकर के महाराज परीक्षित दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हो गए, हंसने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि 7 दिन पहले हमको पता चल गया। आजकल किसी को बता दिया जाए तो व्यक्ति उसी समय मर जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा, खुश होगा, कह दिया जाए कि आप 7वें दिन मरोगे तो वो उसी दिन मर जाएगा। लेकिन महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए, खुश हुए कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। और तुरंत सारा धन अपने पुत्र को राजा बना करके निकल गए वहां से। उनके गांव में भी नदी बहती थी, गंगा जी थी, लेकिन देखिए भजन जब करना होता है तो घर को छोड़ना पड़ता है। कभी कभी मेरे मन में आता था, मैं पढ़ता था, तो कि क्यों सुखताल गए महाराज परीक्षित, वहां जाने की क्या जरूरत है, हस्तिनापुर में तो गंगा जी बहती ही है, और देखा जाए तो सुखताल से ज्यादा सुंदर धार है गंगा का हस्तिनापुर में। तो वास्तव में इसका अर्थ यह है कि गांव में घर में भजन नहीं होता है, कितना हो व्यवस्था हो, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं आ ही जाती है, इसीलिए मंदिर बनाया जाता है।
लोग कहते ना हम अपने घर में भजन कर लेते हैं, अरे क्या करते हो तो पता है, जो जब करने के लिए बैठोगे उसी समय बच्चे आकर पापा पिता कहेगा बस हो गया भजन, पत्नी आकर कुछ बोलेगी। इसीलिए मंदिर बनाया जाता है, वनम गतोयम हरिमा श्रेयत, वन में जाकर के भजन करने थे। वन का एक अर्थ है मंदिर, वनम का अर्थ जंगल ही नहीं होता है, घना घोर जंगल यही अर्थ नहीं है, वनम का अर्थ मंदिर। मंदिर में जाकर के गोकुलानंदी के सामने बैठ करके जब करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो महाराज परीक्षित क्या किए कि अपने घर को छोड़ दिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला उनको नहीं था घर में, लेकिन सीधा वहां से निकले हस्तिनापुर से, और लगभग 70-75 किलोमीटर दूरी पर, 70 किलोमीटर से कुछ कम है, सुकताल वहां गए, और वहां गए और वहां जाकर के अनशन व्रत में बैठ गए। यहाँ शब्द आया इसलिए मैं बोलने लगा, और यह संवाद सब जगह फैला, अखबार टीवी नहीं था लेकिन सूचना सबको मिल गई, देवर से राजर से ब्रह्मर से सप्तर से जितने लोग हैं सब लोग एकत्रित हो गए कि राजा शरीर छोड़ने वाले हैं, चलो हम लोग देखते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, शरीर छोड़ते समय कैसा उनका मनोदशा हो रहा है, चलो देखेंगे। और सभी लोग आए, सबसे प्रश्न किए कि हमको क्या करना चाहिए, सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार बताए, कोई कोई तो कह दे कि तुम बहुत पैसा कमाए हो बांट दो, दान दे दो, कल्याण हो जाएगा। कोई कह रहा है नहीं नहीं महाराज, आप गंगा का जो पानी है ना उसमें खड़े हो जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। कोई कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप पंचाग्नि जला लीजिए पांचों तरफ से चारों तरफ से, और आग जलाकर बीच में बैठ जाइए, आपका सारा अपराध माफ हो जाएगा। महाराज परीक्षित मन ही मन करे कि लोग बता क्या रहे हैं, मैं पूछ क्या रहा हूँ उत्तर क्या दे रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि सब सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, बैठे हुए हैं चिंता में हैं, सोच रहे हैं चिंतन कर रहे हैं। उसी समय सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ, तत्राद भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमान अपेक्षा अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतैश्च वालैर अवधूत वेश। षोडश वर्षीय सांवला रूप है सुखदेव गोस्वामी का, मंद मंद मुस्कान है, मुख से भागवत का श्लोक निकल रहा है, और उनके पीछे पीछे झुंड के झुंड बच्चे और स्त्रियां सब चल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि किसी पर नहीं है, और सब चल रहे हैं, वो मंद मंद मुस्कुराते हुए भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। और जब उस सभा में प्रवेश किए आए तो किसी को कहना नहीं पड़ा कि अब खड़े हो जाइए, आ रहे हैं महाराज आ रहे हैं, आजकल लोग बोलते हैं ना खड़े हो जाओ आ रहे हैं, वहां कुछ नहीं, सभी लोग खड़े हो गए, यहां तक कि सुखदेव के पिताजी बैठे हुए थे व्यासदेव जी भी खड़े हो गए, पराशर नारद जी व्यास जी के गुरु महाराज वशिष्ठ जी सभी लोग खड़े हो गए। महाराज परीक्षित को समझने में देर नहीं लगा, समझ गए कि यही विशेष महापुरुष आए हुए हैं, और उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिए जिसको व्यास आसन कहते हैं। उस आसन पर सुखदेव गोस्वामी बैठे, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है कि बड़ी प्रश्न किए हैं कि हे गुरुदेव आप कृपा करके यह बताइए कि जो व्यक्ति निश्चित रूप से मरने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। अतः परीक्षामि संसिधिम योगिनाम परमम गुरुम, हे योगियों के परम गुरु आप कृपा करके यह बताइए कि जिसको निश्चित रूप से मरना है उसको क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, और क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं करना है, आप कृपा करके बताइए। महाराज परीक्षित का प्रश्न किसके लिए है, जो मरने वाले हैं, जो मरने वाले नहीं है उनके लिए भागवत नहीं है, किसके लिए है, जो निश्चित रूप से मरने वाले हैं, और हम सभी लोग मरने वाले हैं तो सबके लिए भागवत है। जब प्रश्न किए तब सुखदेव गोस्वामी को इतना सुंदर प्रश्न लगा महाराज परीक्षित का, इतना अच्छा लगा कि मंगलाचरण करना भूल गए और सीधा उत्तर देने लगे। हम लोग कोई भी कथा करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ किए हैं, और
तीन अध्याय तक उत्तर देते रहे। तीन अध्याय जब उत्तर दे लिए तब उनको याद आया कि अरे मैं तो मंगलाचरण किया ही नहीं, तब फिर बीच में रोक करके मंगलाचरण चालू कर दिए। तो ये है महाराज परीक्षित की विशेषता। महाराज परीक्षित के विषय में शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि वह परीक्षित जानते हैं प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदित परीक्षित सतुवाद रायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदित उवाच विप्रह प्रतिनद्य पार्थिव मुदा मुनीनाम सदस्य श्मशृणमताम। राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे, अनशन व्रत में बैठे हुए, आमरण अनशन, शरीर जब छूटेगा तब तक भोजन नहीं करना, ऐसा व्रत करके बैठे हुए थे। और उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया कि आप हमको सुनाइए, तब वे बड़े आनंदित हुए, आनंद में हो गए सुखदेव गोस्वामी, और बड़े प्रेम के साथ महाराज परीक्षित के प्रश्नों का अभिनंदन करते हुए मुनियों की भरी सभा में, बड़े बड़े मुनि लोग बैठे हुए हैं उनकी सभा में कहने लगे। मुदा, यहाँ एक शब्द आया है मुदा, मुदा मुनीना, मुदा माने वास्तव में कोई कथा के बीच में अगर रोकता है तो वक्ता को अच्छा नहीं लगता, खुश नहीं होता है, परंतु सुखदेव गोस्वामी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि महाराज परीक्षित ने साधारण प्रश्न नहीं किया है, ऐसा प्रश्न किया है कि इस प्रश्न के उत्तर देने से सारे जीवों का कल्याण होने वाला है। महाराज परीक्षित स्वार्थी नहीं है, केवल अपना हित नहीं चाह रहे हैं, सारे जगत के तरफ से, संपूर्ण मनुष्यों के तरफ से, समस्त जीवों के तरफ से प्रश्न किए हैं। और ऐसे प्रश्न को जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कथम भूता परीक्षिता, तो कह रहे हैं कि प्रायोप आमरण, वो आमरण व्रत में बैठे हुए थे। जो व्यक्ति मरने की अवस्था में है, उसकी मृत्यु निकट है, और ऐसा व्यक्ति कथा सुनना चाहता है, और वह व्यक्ति सबका हित चाहता है, सबका भलाई चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। और इतना ही नहीं, महाराज परीक्षित तो प्रश्न किए ही, और सब लोग भी सुनना चाह रहे थे। श्रीणवताम, जितने ऋषि महर्षि बैठे हुए थे वहाँ पर, सभी लोग सुनने के इच्छुक थे। श्रीणवताम मुनि नाम, सभी मुनि लोग, ऋषि लोग भी प्रसन्न हुए, प्रश्न सुन करके खुश हुए। तब अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, कथा कहना चालू करते हैं। कहते हैं कि देखो, परीक्षित ने प्रश्न किया तो इसका उत्तर देते हुए अब यहाँ पर कह रहे हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किए हुए का उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। हरिर यथा गजपति ग्राह ग्रस्तम मुचत, ग्राह ग्रस्त गजेंद्र की भगवान ने कैसा रक्षा किया, कृपा करके आप हमको सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी अब बोलना प्रारंभ किए, कहते हैं कि हाँ, कथा तो मैं करूँगा लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी शर्त रखे, कहे कि अब कथा मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ राजन, हे परीक्षित, लेकिन तुम ध्यान दे करके सुनना, विशेष प्रकार से ध्यान देना पड़ेगा। अब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हुए कहते हैं, श्री शुक वाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आसिद गिरिवरो राजन विश्रुतः शिरो देनावृत श्रीमान योजनात्युतमुच्छ्रित। कह रहे हैं कि हे राजन, क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का प्रसिद्ध त्रि माने तीन, कुट माने चोटी शिखर, एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकुट पर्वत, और उसके तीन शिखर है, एक सोना का है, दूसरा चांदी का है, तीसरा लोहा का है, और तीनों शिखर एक ही पर्वत से निकले हुए हैं। हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं,
प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि देखो त्रिकुट नाम का जो पर्वत है उसका नाम है त्रिकुट, तो उसके तीन शिखर हैं, एक सोने का, एक चांदी का और तीसरा लोहे का, और वो कितना ऊंचा है, कितना लंबा चौड़ा है, तो इसके विषय में बता रहे हैं कि वह श्रेष्ठ पर्वत है, बड़ा सुंदर पर्वत है, बहुत मनोरम सुंदर पर्वत है, और वह 10,000 योजन ऊंचा है। कोई कहेगा ये सब क्या कथा सुनाते हैं, उतना ऊंचा पर्वत भी होता है क्या? क्यों नहीं होता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं पर्वत, अभी भी देखते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं, तो इतना ऊंचा पर्वत था 10,000 योजन अर्थात 80,000 माइल वह पर्वत था, 1 योजन 8 माइल का होता है, तो उसका जो ऊंचाई था 80,000 माइल था अर्थात 10,000 योजन, इतना ऊंचा पर्वत था, और उसकी लंबाई चौड़ाई भी जैसे ऊंचाई थी वैसे ही लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर से इतनी ही थी, जितना ऊंचा है वैसा ही लंबा है और वैसा ही चौड़ा है वह पर्वत, कितना विशाल पर्वत है, और उसके ऊपर वो तीनों जो शिखर हैं बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई तो ऐसा है ही, उसके चांदी लोहे और सोने के तीन शिखरों से अत्यधिक सुशोभित वह पर्वत दिखाई दे रहा है, शिखरों की छटा से समुद्र दिशाएं और आकाश, समुद्र भी दिशाएं भी और आकाश भी जगमग जगमग कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी इसलिए ये सब कथा सुना रहे हैं कि उस जंगल के वृक्षों का भी नाम गिनाएंगे, और जो व्यक्ति उस वृक्षों का नाम सुनेगा, पुष्पों का नाम सुनेगा, पर्वतों का, कंदरा का, खोह का, तो इसको सुनने से ही भगवान के चरणों में मन लगेगा, इसीलिए सुना रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि पहाड़ के बात बताने लगे, इसको बताने की क्या जरूरत है, सीधा कृष्ण की कथा सुनानी चाहिए, पर्वत कौन नहीं जानता है, उसके ऊपर पेड़ होते ही हैं, लेकिन वहां के पर्वत के जो वृक्ष हैं, जो कंदरा है, जो पुष्प हैं, जो झरना है, उसको सुनने से, उसको देखने से, उसको स्मरण करने से हमारी मति कृष्ण में लगेगी, ये विशेषता है। अन्य जगह के स्थानों में, कुछ जगह के स्थानों में अंतर है, कभी कभी लोग कहते हैं गिदा जी जाते हैं जो भक्त नहीं उनकी बात बताए, कहते अरे तो पर्वत है इसको क्यों ये लोग घूमते हैं, लेकिन पर्वत नहीं स्वयं वो भगवान है, ब्रज के जितने वृक्ष हैं सब ऋषि महर्षि लोग हैं, ब्रज का कोई भी चीज साधारण नहीं है, तो जिनकी भक्ति है वो जाकर के वहां बैठ करके घंटों रोते हैं, जप करते हैं, आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, उस ब्रज में लौटते हैं, जिसको मालूम है उसको, और जो नहीं जानता है सोचता है ये लोग पागल हैं क्या, धूल में लौट रहे हैं, लौटने वाला चीज है, लेकिन अब तो सब जान गए, नहीं तो पहले जो जाते थे ना, जब हम लोग शुरू में आए थे वृंदावन 94-95 में, तो उस समय कुछ गांव के लोग आते थे ना, तो वो लोग लौटना नहीं चाहते थे, लेकिन अब तो सब जान गए, बहुत प्रचार हो रहा है, मीडिया के माध्यम से भी जान गए, ऐसे भी जान रहे हैं, तो अब तो सब लौटते हैं, नहीं तो उस समय बड़ा संकोच करते थे, अरे कौन लौटेगा, लेकिन बताया जाए अरे लौटो, यहाँ भगवान यहाँ पर लौटे हैं, खेले हैं, आलिंगन किए हैं, तो वहां की जो कथा है इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी त्रिकुट पर्वत का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि वह जगमग जगमग कर रहा था, और भी उसके कितने ही शिखर थे, बहुत सुंदर सुंदर शिखर था, अन्यैश्च कुकुभः शर्वाः रत्न धातु विचित्रतई नाना द्रुम लता गुलमय निर्घोषय निर्जराम भाषाम, कह रहे हैं कि और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं के रंग बिरंगी छटा को बिखेर रहे थे, जो छोटे छोटे उसके जो शिखर आदि थे, पर्वत थे, वे भी जगमगा रहे थे रत्नों से, और सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी, उसमें विविध जाति के वृक्ष, अनेक प्रकार के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी,
झरनों की झरझर से वह गुंजायमान हो रहा था। झरना जब जल बहता था तो झरझर 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 झर होने से बहुत सुंदर लग रहा था। और वहाँ पर समुद्र की लहरें आ आकर के उस पर्वत के निचले भाग में टकराती थी। समुद्र के जो लहर है, लहर आता था तो उस पर्वत के निचले भाग में जाकर के टकराती थी। और उसमें से क्या होता था कि उस पर्वत के जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टूट टूट करके जब आते थे तो वो रत्न थे, वो और सुंदर लगता था। जो बालू है वो भी रत्न का बालू है, रत्नों का बालू है। और उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वतराज के पांव पखाड़ रही हो समुद्र। और उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि, जो हरे पन्ने हैं उससे वहाँ की भूमि सांवली हो गई थी। पन्ने जो टूट टूट करके पर्वत के जो टुकड़े हैं पन्ने के, वो जहाँ तहाँ बिखरे हुए थे, तो उससे वहाँ की पृथ्वी सांवली दिखाई दे रही थी, सांवली रंग में दिखाई दे रही थी। जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो, ऐसा लगता था कि दूब लगा हुआ है। लेकिन वह दूब नहीं था, वह वहाँ का पन्ना है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसे उस पर हरी भरी दूब लगी हुई हो, सचाव निज मानांग्री, वह समुद्र लग रहा है कि भगवान के कृपा से वह समुद्र का जो लहर है उस पर्वत राज को चुंबन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, उसके चरण को धो रहा है। और इतना ही नहीं, उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करने के लिए वहाँ पर आया करते थे। और कुछ लोग तो अस्थायी रूप से वहीं बसे हुए थे, वहीं रहते थे। कोई मान लीजिए प्रश्न करे कि क्या सुखदेव गोस्वामी उसको देख रहे हैं क्या, इस तरह जो वर्णन किए हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, सुखदेव गोस्वामी देखे हैं। क्योंकि विस्तृतः, विस्तृतः का मतलब है विस्तृतः, सजाव निज मानंग्री समन्तापय उर्म भी करोति श्यामलाम भूमि हरि मरकतास्म भी। सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर महोर गई किन्नरई अप्सरो भी चक्रद्भि जुष्टकंदर यत्र संगीत सन्नादय नदद गुह्यम अर्षया अभि गर्जन्ति हरय श्लाघिनम परसंकया। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं। पहले ही कहा गया है कि विस्तृत भूमि को श्यामला कर देता था, क्योंकि वहाँ मरकत मणि के कारण वह श्यामल दिखाई देता है। मरकत मणि के कारण वह पृथ्वी सांवले रंग की दिखाई दे रही है। और वहाँ पर एक से एक सिद्ध, गंधर्व, चारण, अप्सरा सभी लोग वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में वहाँ पर आते हैं। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकरा करके जब संगीत गाते हैं, तो संगीत की जो ध्वनि है उस कंदराओं से, उस चट्टानों से टकरा करके, और जब आती है तो प्रतिध्वनित होने लगती है। उन्हीं का आवाज़ दोबारा रिटर्न जब होता है, लौटता है, तो सुनाई देता है। तब बड़े बड़े गर्वीले उस जंगल में जो सिंह हैं, शेर आदि हैं, वे उस ध्वनि को सुन करके, संगीत के ध्वनि को जब सुनते हैं, तो वह गर्जना करते हैं। और ऐसे गर्जना करते हैं कि अपनी गर्जना से, अपनी आवाज़ से उसके आवाज़ को दबा दे। लेकिन जितना जोर से बोलते हैं तो फिर वही आवाज़ पुनः सुनाई देता है। तो इस प्रकार जंगल में जहाँ तहाँ सुंदर स्वर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और उस समय उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित हो रही थी। अनेक प्रकार के जानवर हैं, अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से वहाँ पर सुंदर आवाज़ कर रहे हैं, चहक रहे हैं, सुंदर सुंदर आवाज़ कर रहे हैं। वहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों के आने से भी वहाँ गंदगी नहीं है। बड़ा साफ सुथरा स्वच्छ वह स्थान दिखाई दे रहा है, बड़ा निर्मल जगह है।
वहाँ कोई गंदगी नहीं कर रहा है। मनुष्य लोग जाते हैं तो कहीं भी गंदा फैला देते हैं, धाम में भी जा करके गंदा करते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं। वास्तव में सबसे अगर कोई गंदा है तो वो है मनुष्य। मनुष्य लोग गंदगी ही करना जानते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सफाई करते हैं, धाम में भी जा करके गंदा करते रहते हैं। और देवताओं के आने से वहाँ जाम भी नहीं लगता है। अगर कोई कहेगा कि इतने लोग आए थे तब तो जाम लग गया होगा ना, वहाँ बहुत गंदगी हो गई होगी, तो नहीं, देवताओं के लिए पार्किंग की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग गाड़ी से आए हैं, अपने अपने विमान से आए हैं, लेकिन देवता लोग का विमान और ये लोग आकाश में ही हैं, ज़मीन पर कोई है नहीं, उन लोगों को पार्किंग की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा विमान आकाश में ही टिक गया है, विमान को आकाश में ही छोड़ दिए, तुम वहीं रहो और अपने आनंद से यहाँ विहार कर रहे हैं सब लोग। और उस समय जितने वृक्ष आदि हैं, नाना रण्य पशु ब्रात संकुल द्रोण अलंकृत चित्र द्रोम स्रोद्यान कलकंठ विहंगम, उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों से, झुंडों से सुशोभित हो रहा था। अनेक प्रकार के जानवर हैं, अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठों से चहक रहे थे। पक्षियों को भी कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। पर्वत की चोटियां पशुओं से अलंकृत थी। जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर पशु जो है चर रहे हैं, तो दूर से देखने से पशु दिखाई दे रहे हैं, इससे वह पर्वत बहुत अच्छा लग रहा है। अनेक रंग के पशु उस पर विचरण कर रहे हैं। आप लोग दूर से देखिए, अगर गाय दूर से पर्वत पर दिखाई देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगता है। अनेक प्रकार के पशु सब उसके ऊपर अलंकृत हो रहे हैं, चर रहे हैं, घास खा रहे हैं, और इससे वह पर्वत शोभायमान हो रहा है। वहाँ पर पशु हैं, पर्वत पर पशु सिंह आदि रहते हैं। पर्वत पर जब पशु रहते हैं तभी वह पर्वत अच्छा लगता है। पर्वत पर अगर पशु न रहे तो वह अच्छा नहीं लगता है। पर्वत पशुओं के रहने का स्थान है, सच पूछिए तो। पशु का स्थान घर नहीं है, अब तो लोग घर में बांध देते हैं, लेकिन पशु घर में रह करके सुखी का अनुभव नहीं करते हैं। अगर पशुओं को छोड़ दीजिए जंगल में तो ज़्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि वास्तविक घर उनका पर्वत है, उसमें अच्छा लगते हैं। लेकिन हम लोग पशुओं को भी कैद कर देते हैं, अपने तो कैद हैं ही घर में, छोटे छोटे रूम में रहते हैं, और ऐसे पशुओं के लिए भी कर दिए। पशुओं को खुला स्थान में रखना चाहिए, और इसी से पर्वत के भी शोभा है। और वे लोग बहुत सुंदर गायन भी कर रहे हैं, सुंदर आवाज उन लोगों का सुंदर है। नाना धन्य पशु ब्रात संकुल द्रोण्य अलंकृत चित्र द्रोम स्रो ध्यान कलकंठ विहंगम, कलकंठ कलकंठ विहंगम, कल माने मधुर और कंठ माने स्वर। उन पक्षियों का जो कंठ है बड़ा सुंदर है, बड़ा मधुर है। वह पर्वत सुंदर कोयल मयूर से सुशोभित था। वहाँ पर अनेक प्रकार के कोयल बोल रहे थे और मयूर नृत्य कर रहे थे, मयूरों से भरा हुआ था। वहाँ पर कौआ आदि नहीं रहते थे, कोयल मयूर बड़े बड़े सुंदर सुंदर वहाँ पर पक्षी रहते थे। कौआ कहाँ रहते हैं मालूम है? जंगल में कोई गंदगी नहीं है इसलिए नहीं रहते हैं। कौआ रहते हैं गंदा स्थान में, और गांव में ज़्यादा गंदगी रहता है तो वहाँ पर कौआ रहते हैं। लेकिन जहाँ गंदगी नहीं है वहाँ वो लोग नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को गंदगी चाहिए। उनको गांव के पक्षी कहा जाता है, कौओं को, वो जंगल के पक्षी नहीं है, क्योंकि वो मल आदि में रहते हैं। और कुछ लोग तो कहा गया कि कुछ लोग मनुष्य को भी कौआ कहते हैं, क्योंकि वो लोग भी गंदगी ज़्यादा पसंद करते हैं, गंदा चीज़ खाते हैं, गंदे चीज़ में बैठते हैं, कुछ लोग गंदगी को ही पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों को बायस कहा गया है, वो भी कौआ ही हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि वह जंगल बड़ा सुशोभित, बड़ा रमणीय, अत्यधिक सुंदर
और सुंदर होने के कारण वहाँ पर सभी लोग रहना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ का जल, उस पर बहुत सी नदियाँ सरोवर भी थे, अनेक प्रकार के नदियाँ सरोवर, उनका जल बड़ा निर्मल था। सरित सरोभिक्षदय पुलनई मणिबालुकई देव स्त्री मज्जनामो सौरभ भाम्बो निलैरियुतः, कह रहे हैं कि उस पर बहुत सी नदियाँ और सरोवर थे, उनका जल बड़ा निर्मल था, उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी, उनमें देवंगनाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यधिक सुगंधित हो जाता था और उसकी सुरभि लेकर के भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। उस जल में देवंगनाएं स्नान करती थी और इधर क्या है कि वायु जो चलता था शीतल मंद सुगंध युत चली रही त्रिविध समीर, तीन प्रकार के वायु चल रहे थे, मंद मंद शीतल और सुगंध, उसको लेकर के जो स्त्रियां वहां देवताओं की स्त्रियां जो स्नान कर रही हैं तो उससे उनके शरीर में अनेक प्रकार के सुगंधित चीज लगा हुआ है और स्नान करने से उसकी सुरभि लेकर के भीनी भीनी वायु चल रही है, सुंदर वायु चल रही है। अच्छादय सरितः सरोभि, वहाँ का जल बहुत निर्मल है, निर्मल जल है, वहाँ के पशु पक्षी बड़े आनंद में है, उस जल को पी रहे हैं, वो निर्मल जल है और निर्मल जल होने के कारण बड़े आनंद से पशु पक्षी पी रहे हैं। पैक बोतल वाला पानी वो लोग नहीं पी रहे थे, वो लोग एकदम निर्मल जल को पी रहे। एक बार मैं देखा, वहाँ गया था हाफलौंग में, उधर मेघालय के तरफ उधर गया था, तो हम लोग आ रहे थे तो मैं बोतल में पानी लिया था, बिस्लरी वाला पानी था बोतल में, हम तीन भक्त थे कार से आ रहे थे, तो एक जगह झरना से पानी बह रहा था, वहाँ से पानी लोग भर रहे थे, तो मैं गाड़ी को रुकवाया, कहा कि थोड़ा रोकिए, तो दो बोतल था, एक में पूरा पैकिंग बोतल का पानी हम लोग लिए थे और एक जो खाली बोतल था उसमें से उस पानी को लिए, झरना वाला पानी उसको लिए, और दोनों लेकर के उसको पिए हम लोग, तो इतना सुंदर वो पानी था, इतना स्वादिष्ट। तो फिर मैं कहा, एक भक्त थे उनको कहा कि आप इसको ट्राई कीजिए, तो बोतल वाला, तो उसको पिए तो उसके सामने एक लग रहा था कि फालतू लग रहा है, हम भी पिए तो लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, उसी को हम लोग एक एक बोतल दोनों लोग पिए, ड्राइवर था वो भी पिया, और फिर कहे कि और बोतल नहीं है, दो चार बोतल रहता तो ले लेते, तो वहाँ बोतल था नहीं, एक ही बोतल था, तो उसमें एक बोतल पानी लिए और रास्ते में विचार करने लगे कि और बोतल रखना चाहिए था, इतना सुंदर वह जल था। तो यहाँ वर्णन है कि वहाँ का जो पानी है उसको पशु पक्षी सब पी रहे हैं, पैक बोतल वाला पानी नहीं पी रहे हैं, हम लोग तो यही पीते हैं ना, लेकिन वहाँ पर निर्मल जल था और उसको सभी लोग पी रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में पी रहे हैं, वहाँ के पशु पक्षी उस जल को पी रहे हैं और बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तस्य द्रोण्या भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानाम ऋतुमन्नाम आक्रीडम सुदयोषिताम, पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा, जो भगवत प्रेमी है, भगवान के परम भक्त हैं, कौन? वरुण जी, उनका एक सुंदर बगीचा था वहाँ पर, उद्यान, उसी पर्वत में एक उनका बगीचा भी था, वहाँ भी वो अपना जमीन ले लिए होंगे फ्लैट बनाने के लिए, जैसे हम लोग सब जाते हैं तो अलग अलग जगह लेते हैं ना, तो वरुण जी का भी वहाँ एक उद्यान था, उसका नाम था ऋतुमान, उस उद्यान का नाम क्या था? ऋतुमान। और उसमें देवताओं की पत्नियां आकर के स्पेशल क्रीड़ा करती थी उस बगीचे में, वरुण जी का जो स्थान था उसमें देवताओं की पत्नियां आती थी और आकर के बड़े आनंद के साथ में देवस्त्री भी आकर के देवताओं की स्त्रियां जब स्नान करती थी उसमें, तो उन स्त्रियों के स्नान करने से वह जल, जो जल था वह सौरभ युक्त हो जाता था, सौरभ युक्त, और इतना सुंदर सुगंध उसमें होता था कि भागवत में वर्णन है कि वहाँ
जो भी पशु आते थे तो पानी पीते थे, उनका पेट भर जाता था लेकिन पीने का मन बना रहता था। इतना सुंदर स्वादिष्ट लगता था कि बिना प्यास के भी पानी पीते थे। जिसको प्यास नहीं थी वो भी पानी पीता था। और इतना ही नहीं, उस जल का जो रंग है वह नीला दिखाई देता था, नीला रंग का, तो नीला रंग देख करके और पीते थे। उसे देख करके बिना प्यास के हाथी पशु जितने वहाँ के जीव जंतु हैं छोटे बड़े सभी जीव उस पानी को पीते हैं और बड़े आनंद के साथ में उसमें स्नान भी करते हैं, जल को भी पीते हैं। तस्य द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मन उद्यानामृतमन्नाम आक्रीडम सुदयोषिताम। वह देवताओं की जो स्त्रियां हैं उनके लिए वह क्रीड़ा का स्थान बना हुआ था। वहाँ बड़े आनंद के साथ बड़े प्रेम के साथ में सभी दैव स्त्री देवताओं की स्त्रियों के स्नान से जल शुद्ध वायु सुगंधित हो जाती है। उनके स्नान करने से जल भी शुद्ध हो जाता है और सुगंधित। लेकिन उसी जल में अगर हम मनुष्य लोग स्नान करेंगे तो सुगंधित होगा? देवताओं में और मनुष्यों में कितना अंतर है। परंतु मनुष्य के स्नान करने से वह शुद्ध जल भी गंदा हो जाएगा। कोरोना पीरियड में जो कोरोना हुआ था ना, तो मैं वृंदावन में ही था उस समय। तो वृंदावन में जो यमुना जी हैं वही यमुना आज भी हैं, लेकिन उस समय इतना सुंदर जल आ रहा था कि हम लोग का जो घर है उसी वहाँ से ऐसे पैदल जाते थे। इधर रोड पर तो पुलिस वाले नहीं जाने देते थे, लेकिन कितना देर तक घर में बैठे रहेंगे, तो बाहर निकलते थे यमुना जी के तरफ जाते थे। इतना शुद्ध जल, साफ पानी हो चुका था उस समय, तो इतना अच्छा लगता था। स्नान भी किए थे, दो चार दिन तक स्नान मैं भी किया था, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वह कोरोना बंद हुआ फिर पानी उसी रूप में, दिल्ली का जितनी गंदगी है सब उसमें आना चालू। देखिए गंदा कौन करता है? मनुष्य लोग। देवताओं से गंदगी नहीं होती है, अर्थात जो भक्त लोग हैं जो साधु लोग हैं वो गंदा नहीं करते हैं, वो तो ध्यान देते हैं। लेकिन जो नहीं समझते हैं वो गंदा करते रहते हैं। हम लोग जब तीर्थ में जाते हैं तो विशेष ध्यान देना चाहिए। तीर्थ में जाने के बाद में विशेष ध्यान देना है कि कम से कम हम वहाँ पर गंदगी करें। गंदा तो करेंगे ही, लेकिन कम से कम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ आए हुए हैं। धाम में आकर के ज़्यादा से ज़्यादा भजन नाम ये सब करना है, ठीक है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो आगे की कथा हम लोग कल परसों तीन दिन और सुनेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हम स्वागत करेंगे तथा धन्यवाद भी देना चाहेंगे श्रीमान श्री कृष्ण प्रभु को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राधा गोकुलानंद भगवान की जय। यह हमारा परम सौभाग्य रहा है कि श्रीमान श्री कृष्ण प्रभु एक बार फिर बेलगाम में यहाँ पर उनका आगमन हुआ है और यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष की कथा आज प्रारंभ हुई है, जो कि आने वाले तीन दिन और चलेगी, मंगलवार बुधवार और गुरुवार शाम को। और प्रभु जी सुबह का भागवतम कक्षा भी देंगे, जो कि सुबह 7:45 शुरू होगा। तो आप कृपया इन सभी कथाओं का लाभ लीजिए। वैसे तो प्रभु जी यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं और आप सब उनको जानते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं जानते उनकी तो उनकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि श्रीमान श्री कृष्ण प्रभु श्री राधा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं, वृंदावन में रहते हैं। और आपको स्मृति भी हो तो गौर कृष्ण महाराज जी, जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है, गोलोकवासी हैं, उनके छोटे भाई हैं। और अपने गुरु महाराज के कथन के अनुसार वो कृष्ण कथा ये भागवत कथा नियमित रूप से
करते हैं देश और विदेश दोनों जगह पे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी एक बार यहाँ आए हैं, तो हम इनका पूरा पूरा लाभ लें। तो आपसे विनती है कि आने वाले 3 दिनों में भी शाम को कथा में उपस्थित रहें। तो अभी भगवान इससे पहले कि हम यहाँ पर कीर्तन के लिए शामिल हों, धन्यवाद देना चाहेंगे श्रीमान सुकुमार प्रभु का, जिन्होंने आज का प्रसादम पुरस्कृत किया है। तो हमसे विनती करते हैं कि कृपया मंदिर की तरफ से भेंट स्वीकार करें। ये इनको दे दीजिए, ये इनके साथ एक्सचेंज ऑफर है प्रभु जी। धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सभी भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है, कृपया शयन कीर्तन के बाद प्रसाद लेकर ही जाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।